हाय फ्रेंड्स, मैं मालविका देसाई और आज फिर से एक बार मेरे मम्मी के घर के ग्राउंड फ्लोर का जो गार्डन है उसमें आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये मेरा घर नहीं है इसलिए एमडीस गार्डन नहीं बोल रही हूँ। देखिए, वीडियो की शुरुआत ये एक्जोरी का प्लांट है, पिंक कलर की है और कितने सारे फूल आए हैं गुच्छे में, तो उसी से कर रही हूँ। ये देखिए, ज़मीन में लगा हुआ प्लांट है, बहुत ही बड़ा हो गया है, 8 या 9 फुट हाइट होगी इसकी शायद। देखिए, ऊपर तक गुच्छे में फूल ही फूल है। तो देखिए, आज के वीडियो में मैं एक और गार्डन का कोना में दिखाने वाली हूँ। कुछ अरेंजमेंट मैंने किया है प्लांट का और वो कौन कौन से प्लांट्स हैं, यही सभी बातें आज के वीडियो में आप सभी के साथ शेयर करूंगी। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, ये है वो सभी प्लांट्स और कितने खूबसूरत दिख रहे हैं। सबको एक साथ रखा हुआ है, बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये कोना। बहुत ही सुंदर दिख रहा है। तो देखिए, यहाँ से शुरुआत करते हैं हम। तो ये है, ये कामिनी का प्लांट है, इसको भी मैंने प्रून कर दिया, बहुत बड़ा प्लांट था। तो यहाँ पे ये कामिनी है, इसको 3-4 घंटे की धूप मिले तो इसमें अच्छे से फ्लावरिंग होगी। और ये एक अरेलिया का प्लांट है, इसका तना देखिए बहुत पुराना प्लांट है। और ये टिकोमा का प्लांट था, ये जल गया है थोड़ा सा, फिर पर रिकवरी आ जाएगी उसकी। और ये देखिए, एक युक्का की वेराइटी है, बहुत ही खूबसूरती से बड़ा हुआ है। और ये ड्रेसिना की वेराइटी है, इसमें से ये प्लांट निकला है यहाँ पे। और ये सेंसिविरिया, फिर ये एक और ड्रेसिना की वेराइटी है, मेरे पास इसकी ग्रीन कलर के पत्ते वाली वेराइटी है। और उसमें ये पिंकिश रेडिश टाइप है, ग्रीन वाइट और रेड का कॉम्बिनेशन है। और ये बहुत ही बड़ा सा खूबसूरत सा रबर प्लांट, देखिए इसके पत्ते की ग्रोथ देखकर ही आपको पता चल गया होगा कि कितना खूबसूरत प्लांट है, बहुत ही सुंदर दिख रहा है। और यहाँ पे ये एक छोटा सा बोस्टन फर्न है। और फिर ये स्पाइडर प्लांट, बहुत ही सुंदर दिख रहा है। ये स्नेक प्लांट है, पूरा गमला भरा हुआ है उससे। और ये मनी प्लांट, नियोन वेराइटी इसको बोलते हैं, वो है, कितना खूबसूरत कलर दिख रहा है इसका। और ये सिंगोनियम की वेराइटी है, सिंपल ग्रीन वाली वेराइटी है, वो मुझे बहुत ही पसंद है। और ये बड़ा सा एरिका पाम, बहुत ही सुंदर दिख रहा है और बहुत ही बड़ा है। मैंने स्टेप बाय स्टेप इस तरह से कुछ रखे हैं प्लांट्स, बड़े गमले पीछे की तरफ और छोटे आगे की तरफ, इस तरह से ये अरेंजमेंट किया है और बहुत ही खूबसूरत आया है, देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा है ये। और ये टेंगल हार्ट है, सिरामिक का पॉट है, कितना खूबसूरत दिख रहा है। और ये डाइफन बेकिया की वेराइटी, और ये एक एग्लोनिमा की वेराइटी है, मेरे पास पहले था, अभी एक छोटा सा है, मैंने ही यहाँ पे ये लगाया था, यहाँ बहुत अच्छे से ग्रो हो गया और बहुत ही सुंदर तरीके से बढ़ रहा है। और ये मॉन्स्टेरा, स्विस चीज़ का प्लांट है। और फिर ये फिर से डाइफन बेकिया, बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है ये। ये एग्लोनिमा की वेराइटी है। और ये बहुत ही बड़ा सा बोस्टन फर्न, कितना खूबसूरती से ये बड़ा हुआ है, देखिए बहुत ही सुंदर दिख रहा है। और यहाँ पीछे की तरफ ये स्नेक प्लांट की वेराइटी है, देखिए बहुत ही सुंदर। और ये फिर से एरिका पाम है। और ये एक अरेलिया की वेराइटी है, बहुत ही सुंदर वेराइटी है, देखिए इस तरह के लीव्स इसमें आते हैं, कितना खूबसूरत दिख रहा है ये।
बहुत ही सुंदर दिख रहा है ये कोना। तो बस आज के वीडियो में यही सभी प्लांट्स आप सभी को दिखाने थे और यही सभी बातें शेयर करने थी आपके साथ। तो आज के वीडियो में इतना ही। तो ये देखिए वीडियो का एंड मेरी बेटी दिखा रही है आपको, मधुमालती का प्लांट है। बहुत ही खूबसूरती से ये फूल आए, देखिए गुच्छे भर भर के फूल आए हैं, कितने खूबसूरत दिख रहे हैं। देखा देखा, देखिए कितने खूबसूरत दिख रहे हैं ये। उसको वीडियो में आने का बहुत शौक होता है, इसलिए वो पकड़ के खड़ी है। तो आज के वीडियो में इतना ही। देखिए अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और साथ में बेल आइकॉन भी दबाए ताकि सभी मेरे नए नए वीडियोस की जानकारी आप सभी को मिलती रहे। तो नेक्स्ट टाइम मिलेंगे किसी और नए प्लांट के साथ उसकी जानकारी लेकर। तब तक के लिए बाय, हैप्पी गार्डनिंग।